थ्री फेस करी नहीं है। छोड़ दो मम्मी, मैं तो अच्छा लगता है तो दो तो खा के। गाइज वेलकम बैक राजपूत फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का मैं ब्लॉग शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं कुछ मतलब अलग रेसिपी, और ये केले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये जैसे हम फिश खाते हैं ना, तो बिल्कुल सेम रेसिपी जाएगी इसके अंदर, सेम मसाला सेम चीज़ जाएगा, और बिल्कुल मछली वाला फ्लेवर इसके अंदर आएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम बनाएंगे केला की सब्जी फिश स्टाइल में, जैसे हम मछली खाते हैं ना। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, हम आपका वीडियो देखते नहीं है, जो होते हैं बोलते हैं कि नॉन वेज। मैं बोली ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ ऐसा बनाएंगे। तो हम बनाएंगे कच्चा केला का सब्जी। तो इसके लिए देख लीजिए, अब मैंने कच्चा केला कितना लिया है। इधर से भी डंटी कट कर दूंगी, देखिये दोनों सारी डंटी पहले कट कर लूंगी, इधर से भी कट कर दूंगी। पानी है ना, एक पानी इसमें ले लेंगे हम, कट चट कटता है ये, तो मैं इसमें ही रख लूंगी, इसमें ही उबालूंगी। ज्यादा नहीं उबालना है, सिपरी लगाना है, तो मैं कढ़ाई में इसे उबालूंगी। इसको डूबने पानी डालेंगे इसमें, ये डूब जाए, बस इतना है। डुबाव तक पानी डाल दिया मैंने। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, हम कोई चीज भी उबालते हैं तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें ऑयल। ये हमने मसाला लिया है कुछ, और ये बिल्कुल मछली में सेम मसाला जाता है हमारे यहाँ। हाँ, पोस्तो भी है, इसे पोस्ता दाना बोलते हैं इसे। ये सरसों है, दोनों तरह की सरसों है, कोई भी एक हो तो डाल सकते हैं। ये लहसुन थोड़ा सा है, तो ये सबको करेंगे हम मिक्सी जग डाल के बारीक मसाला। ये सब तो बिल्कुल आसान से मिल जाता है घर में ही बहुत। और ये थोड़ा सा लौंग है, इलायची है, पोस्तों से मम्मी कहती है ग्रेवी अच्छा होता है, मतलब इससे मतलब हर मछली में हम जरूर डालते हैं, मछली बनाए तो पोस्त डलाता है ये। और ये थोड़ा सा प्याज लिए हैं, ज़्यादा सब्जी को मीठा नहीं करना है। और हम सूखा मिर्च हम लोग जितना खाते हैं उसी के हिसाब से लिए हैं, आप लोग जितना खाते हो उतने रखिएगा। इन सबको बढ़िया से बारीक कर लेते हैं। चल रही है गली में बज रही ढोल, मन कर रहा है नाचने का। रिया क्यों बजा ढोल, रिया उसको बोलना, बोल रही है। तो भाई हमारी गली में ना शादी हो रही है ना वहाँ बगल में, तो जब इनके मतलब हमारे इधर जिनकी भी शादी होती है, हम तो बिहार से है, यहाँ मोस्टली लोग राजस्थान पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग हैं, यही के शायद लोग, तो उनके जो बहन वगैरह आती है तो वो लोग ढोल बजाकर बहन को बुलाते हैं। और एक मेरा भाई ढोल नहीं, हमारे बिहार में भाई ढोल नहीं बजाते। बिहार में स्वागत है, ब्याह हो गया बेटा, भैया बात 2 महीने तक 6 महीने के बाद आएंगे। तब भाई शिकायतें है कि जॉर ससुराल में बासे नहीं हुआ है। तो ये चावल एक तरफ मैं चावल चढ़ा देती हूँ, देखिए मैं इधर केला भी उबल गया है, चावल का पानी हो गया। हम लोग बिहार में बहुत शादी वादी आने दीजिए, दिखाएंगे। अभी था गांव में शादी लेकिन जा नहीं पाए हम लोग। देखिए ये मेरी मम्मी गीत गा रही है, बस इतना ही वाला है, इसको बंद करेंगे। अब इसको छान लेंगे किस चीज में, छिलके सहित मैंने उबाला है। ढोल बज रहा है, डांस करने का मन भी हो रहा है, तो ये सब इसको छान लेते हैं। ये हरा केला काला हो गया है, भाई को मन करा इसका जूस बना के दे दूं। इस छानने से ना, इसे मतलब उबालने से ना आपको 2 फायदा है। एक तो हम इसके छिलके भी फेंकना नहीं है हमें, ससुराल इसका जो छिलका है वो फेंका नहीं जाएगा। उसका मम्मी बताइए क्या बनेगा, चटनी। मम्मी चटनी बनाती है इसका, बहुत ही टेस्टी। इसको थोड़ा सा ठंडा करने का वेट कर लीजिएगा, मुझे जल्दी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी छील रही हूँ। थोड़ा सा डालूंगी ज्यादा, और फिर तेल को निकाल लूंगी क्योंकि हमको ये फ्राई करना है, थोड़ा तेल एक्स्ट्रा रखेंगे। और देखिए जैसे मछली में हम डालते हैं ना हल्दी, पहले इसमें डालूंगी पहले हल्दी, इसमें डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर,
तो मेरे घर ऊपर ना बहुत लड़ाई करता था नमक। सेम चीज हम मछली में भी डालते हैं और इसको ऐसे से थोड़ा सा गीला होगा देखिएगा, इसको हाथ से मिलाने की कोशिश करेंगे तो जैसे दबने लगता है ये, थोड़ा आराम से इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर लपेट लिए हैं और एक एक करके इसको फ्राई कर देंगे। ये बिल्कुल चीज की तरह लगेगा, तो लाल हो गया है, ये फ्राई हो गया है। सेम ही आता है जैसे फिश की आती है ना, वैसी ही खुशबू आती है इसकी। फिलहाल हम ऐसे रख लिए हैं, इसको क्या करेंगे ना इसमें ये जो है ना इसे मिक्स कर देंगे। जब पकौड़ी ना और भी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्रंच ही निकालना है। मुझे देखिए कैसे फटफट आवाज़ कर रहा है, इस तरह से ये केला फटने भी लगता है। तो हम फटाक से इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्के से देख लीजिए। इसे थोड़ा ठंडा होने के वेट करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे इसे हल्के हल्के। इसे आप सिंगल पीस भी रख सकते हो और इसे डबल भी कर सकते हो, तो मैं इसको डबल या तीन पीस कर दूंगी। और शाम के समय है टाइगर राई, जैसे मछली में जाता है दो या तीन तेजपात, और थोड़ा डालेंगे ये मिर्च। जाएगा थोड़ा सा हल्दी, हल्दी थोड़ा डालेंगे, घर का मसाला होगा धनिया और थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा पाउडर था ये, गरम मसाला है, केला एक छोटे सा कच्चा वो भी डाल दूंगी इसके अंदर। और ये देखिए इधर से प्याज कट किया है, डालेंगे इसके अंदर। इसमें डालेंगे नमक और फिर मसाला को अच्छे से पकाएंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, जितना आपको ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से नमक पकाएंगे धीमी आंच पे। लास्ट में इसका बनाकर दिखाएंगे आपको चटनी, तो वीडियो में बने रहिएगा। पानी तो देखिए अब इसे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, मसाला तेल दही का चेंज हो गया है। टमाटर मेरा अभी थोड़ा सा और पकेगा और मसाला भी थोड़ा सा, दोनों को अच्छे से फ्राई कीजिएगा। मसाला पकने के बाद ही सब्जी में थोड़ा स्वाद अलग होता है, सब्जी का स्वाद चेंज होता है, जब मसाला ठीक से फ्राई नहीं कीजिएगा। मछली का मसाला हम लोग बढ़िया से फ्राई करते हैं तभी इसमें अच्छी टेस्ट आती है, बिना फ्राई किए मसाला में टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए बिना फ्राई किए इसे मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फ्राई बढ़िया से करिएगा। मेरे घर में भूख सबको लगा है, 8:30 हो गया है, बीच में थोड़ा सा कुछ कुछ काम आ जाता है तो इस वजह से सब्जी वीडियो भी रोकना पड़ता है। तो यहाँ देखिए चटनी के लिए पहले मैंने मम्मी से मैंने लहसुन छिलवा रही हूँ। बस हल्के हल्के इसमें डालते जाएंगे। देखिए ये डाल दिए और ये जो छिलके केले के डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार रखिएगा, डालेंगे थोड़ा तेल सरसों का। इस तरह से हमारा ये चटनी भी रेडी हो गया, ये चटनी भी रेडी हो गया और इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मसाला बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, मसाला अच्छे से फ्राई करना होता है।
आराम से डालिएगा, पानी डालना होता है। इससे मसाले में गांठ नहीं बनती है। एक एक करके इसमें डाल देंगे, क्योंकि पानी तो हम पहले से इसको उबाल लीजिएगा अगर कच्चा पानी डाल रहे हैं तो। इस तरह से सबको डाल देंगे। केले की सब्जी जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए है, तो ऐसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। धनिया पत्ता मम्मी के स्टाइल में थोड़ा सा इसमें पहले ही ऐड कर देंगे, इससे भी सब्जी की थोड़ी टेस्ट बढ़ाती है। अगर धनिया पत्ता पहले उबाल टाइम पे डालोगे तो ये सब सब्जी के अंदर चला जाता है। 2 मिनट पकाना है, बस 2 मिनट। इसको ढक के फुल फ्लेम करके 2 मिनट पकाएंगे। जब मेरा सब्जी बन गया, पकाने से ना ये जो केले खिल खिल जाते हैं और देखने में बिल्कुल फिश कड़ी लग रहा है ये, तो हम फिश कड़ी इसी स्टाइल में बनाते हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और पकाया। अब मैं कर दूंगी गैस की फ्लेम बंद और इसे तुरंत नहीं खोलना है। इससे पहले मैं धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देती हूँ फटाफट, जो बचा हुआ था धनिया पत्ता। और इसे थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा 10 या 5 मिनट रेस्ट पे छोड़िएगा। तो खाना बनाते हुए हमें लग गया भूख। एक खोपड़ी वाला कैसा लग रहा है? भाई भूख लग गई है मैं। देख कड़ुआ को मेरा। घर में कुछ काम आ गया था तो हम लोग उसमें बात बात में लग गए थे। देख लीजिए इसका कलर खोले, ओपन, 1 2 3। देख रहे हैं कोई कह पाएगा कि फिश करी नहीं है? ऐसे तो केला का छिलका किसी काम नहीं आता है, तो इसे हमने 2 चीज बना लिया। मम्मी आज क्या बना रही है? देखिए ये देखिए, तो हम इसके साथ इसका और चटनी तो आपने देखा है उसको देते हैं। तो इस तरह से भी कैसी लगी आप जरूर कमेंट कर देना। भाई हमें तो इतनी तेज भूख लगी है पूछो मत। अरे वो है तो अच्छा लगता है भाई। तो इस तरह से आप भी ये खा लीजिए। चटनी कहाँ गया? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो।